अभी अभी 2 मिनट पहले बड़ी फैसला पीएम मोदी द्वारा ऐलान कर दिया गया है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जितने भी योग्य लाभार्थी है, पात्र लाभार्थी है, जिनको अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन सभी लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ चुका है। अभी अभी पीएम मोदी द्वारा लाइव आकर ऐलान कर दिया गया है। पूरे भारत के अंतर्गत जितने भी योग्य लाभार्थी है, जितने भी पात्र लाभार्थी है, उन सभी लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों 2023-24 के अंतर्गत 1 करोड़ पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। जितने भी योग्य लाभार्थी है, जितने भी पात्र लाभार्थी है, उन सभी लोगों के लिए बड़ी खबर है। तो दोस्तों, कब से पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया जाएगा, आवेदन का प्रक्रिया क्या रहेगा और आप आवेदन कैसे कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसका पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या बड़ी फैसला कर दिया गया है। तो दोस्तों, पीएम मोदी द्वारा लाइव आकर ऐलान कर दिया गया है, 1 जून 2023 से आप पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कहां पर कर सकते हैं? आवेदन आप अपने ब्लॉक कार्यालय के अंदर कर सकते हैं। आवेदन करने का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? तो दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको 4 आवश्यक दस्तावेज लगेगा, जिससे दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है अपना आधार कार्ड नंबर आपको लगेगा। इसके बाद दोस्तों आपका बैंक पासबुक लगेगा और इसके बाद दोस्तों आपका जमीन का पेपर लगेगा। आप जहां पर भी घर बनाना चाहते हैं उस जमीन का आपको पेपर लगेगा। और इसके साथ दोस्तों, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नंबर है तो दोस्तों आपको बीपीएल कार्ड नंबर लगेगा। और इसके अलावा और एक डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जॉब कार्ड आपको नंबर लगेगा। तो दोस्तों, ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देने के बाद आपको पीएम आवास योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स ले लेना है। सब डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा पीएम आवास योजना के लिए, और उस फॉर्म को आपको किसी भी सीएससी सेंटर पर मिल जाएगा। वहां से दोस्तों आपको फॉर्म को ले लेना है और फॉर्म को लेने के बाद आपको सभी फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है। इसके बाद दोस्तों, अपने ग्राम पंचायत के जो भी प्रधान है, मुखिया है, उसके पास दोस्तों आपको जाना है और आपका फॉर्म को वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के बाद उसका वहां पर हस्ताक्षर लगेगा, हस्ताक्षर करवा लेना है, मोहर मरवा लेना है। सीधे आपको अपने ब्लॉक कार्यालय पर चले जाना है। ब्लॉक कार्यालय पर जाकर आवास कार्यालय पर आपको जाना है, वहां पर आपको फॉर्म को जमा कर देना है। जैसे दोस्तों आप फॉर्म को जमा कर देते हैं, आपको कुछ ही दिन के अंतर्गत, 10 से 15 दिन के अंतर्गत आपका डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। और वेरीफाई करने के बाद आपका पीएम आवास योजना के लिस्ट पर नाम ऐड किया जाएगा। जैसे ही दोस्तों आपको पीएम आवास योजना के लिस्ट पर नाम ऐड किया जाता है, इसके बाद दोस्तों आपको पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। ये दोस्तों आपको 3 महीना के अंतर्गत आपको पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा 2023-24 के अंतर्गत, जिसमें दोस्तों बहुत ही फास्ट काम होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें 1 करोड़ आवास पास कर दिया गया है पीएम मोदी द्वारा, जिसमें दोस्तों पूरे भारत के अंतर्गत 2023-24 के अंतर्गत 1 करोड़ आवास दिया जाएगा। जितने भी योग्य लाभार्थी है, जितने भी पात्र लाभार्थी है, सभी लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये अभी अभी पीएम मोदी द्वारा लाइव आकर ऐलान कर दिया गया है पूरे भारत के अंतर्गत। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।